नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं ललन टॉप का खास प्रोग्राम नेताजी घेरे में। और नेताजी घेरे में आज के मेहमान हैं ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट की तरफ से, GDSF की तरफ से मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार, कभी नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद का हिस्सा रहे पूर्व सांसद और कभी बिहार के नेता प्रतिपक्ष रहे उपेंद्र कुशवाहा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका ललन टॉप पर। धन्यवाद। सवाल आपके सबसे नए दावे से करते हैं, मुख्यमंत्री पद का दावा। आपकी पार्टी का जो अलायंस हुआ है उसमें मायावती जी की बसपा है, ओवैसी जी की IMIM है, देवेंद्र यादव जी की पार्टी है, राजभर जी की पार्टी है और संजय चौहान की पार्टी है। हम जब कुछ और नेताओं से बिहार की बात कर रहे थे तो वो कुछ फार्मूलों की बात कर रहे थे। पप्पू यादव जी ने कहा कि हाँ बात चल रही थी, ढाई ढाई साल की बात हो रही थी। फिर मुकेश सहनी बोले हमारी भी बात चल रही थी। कितनी दावेदारियां थी मुख्यमंत्री पद की तीसरे मोर्चे पर? देखिए, अब किन्होंने क्या कहा किसने, उसका अर्थ अब बिल्कुल नहीं है। अब जो सामने है अर्थ उसी का है। और जहां तक मुख्य रूप से दावेदारी की बात है तो एक NDA और दूसरी ओर कथित महागठबंधन, इनकी ओर से लगातार दोनों के बीच में मैच जैसा चल रहा था 15 साल बनाम 15 साल जी। और बिहार की जनता इसमें परेशान थी क्योंकि अब नीतीश कुमार जी से भी लोग मुक्ति चाहते हैं। 15 साल इनको भी लोगों ने देखा है और लालू जी का की सरकार थी 15 वर्ष, उसको भी लोगों ने देखा है। तो लोग न तो नीतीश जी के साथ अब रहना चाहते हैं और न पुराने दिनों में वापिस होना चाहते। तो लोगों के मन में परेशानी थी इस बात को लेकर, एक तरफ कुआं दूसरी ओर खाई, आखिर जाएं तो हम कहां जाएं। वैसी परिस्थिति में लोग, आम लोग चाहते थे कि कोई नया बेहतर विकल्प मिलता तो उस पर विचार करते। लोगों की भावना का ध्यान रखते हुए हमने नया विकल्प बनाने की कोशिश की है। नया विकल्प हमारा है नया बिहार बनाने के लिए और लोगों के मन के अनुकूल का विकल्प है, इसलिए काफ़ी समर्थन लोगों का दिख रहा है। जहाँ भी हम लोग देख रहे हैं काफ़ी आकर्षण दिख रहा है और स्वाभाविक रूप से हम बहुत बढ़त में अभी हैं। आप कह रहे हैं कि आगे कुआं पीछे खाई, लेकिन आपके आलोचक कह रहे हैं कि जिन लालू प्रसाद यादव के 15 साल का उपेंद्र कुशवाहा जिक्र कर रहे हैं उन्हीं के परचम तले 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे, RJD के साथ गठबंधन में थे। तो एक साल पहले लालू यादव ठीक थे और एक साल बाद खराब हो गए। ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। उस वक्त कोई बिहार का चुनाव नहीं था और राष्ट्रीय जनता दल का लीडरशिप भी नहीं था। वहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव था, देश का चुनाव था। उसमें कहीं से लालू यादव या उनके परिवार का कोई व्यक्ति लीडर होगा, लीडरशिप उसके हाथ में होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब विधानसभा का चुनाव आया तो बिहार का चुनाव है, इसमें फिर तय करना है बिहार के लोगों को कि बिहार में कौन नेतृत्व करेगा। तब सवाल RJD का आया, उस वक्त ऐसा नहीं था। इसलिए उस वक्त हम साथ थे, इशू अलग था। अब बिहार में हम अलग हैं, इशू अलग है, इसलिए दोनों को आप जोड़कर नहीं देख सकते। कहाँ फंसा मामला, हमसे बहुत लोगों ने पूछा, हम लोग तो पूरी टीमें ललन टॉप की ग्राउंड पर घूम रही हैं, कि गठबंधन में थे, चुनाव की तैयारी चल रही थी, सिर्फ मुख्यमंत्री की दावेदारी पर मामला फंसा। कई लोगों ने कहा कि Deputy CM, कई लोगों ने कहा कि सीटों की संख्या। तो पब्लिक को एक बार फॉर वंस एंड ऑल बता ही दीजिए कि बातचीत टूटी किस पॉइंट पर आकर। देखिए, लोग जानते हैं, हमने उस वक्त ही कहा था और अंदर जो गठबंधन के लीडर्स थे उनके बीच विमर्श जब चलता था उस वक्त भी हम बोलते थे यह बात और पब्लिक डोमेन में यह बात है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बोलते थे, कांग्रेस पार्टी के लोग भी बोलते थे कि तेजस्वी का लीडरशिप अभी हम लोगों ने कबूल नहीं किया है, स्वीकार नहीं किया है। इस पर बैठकर विमर्श करेंगे फिर तय करेंगे। जितना मांझी जी चले गए उनकी ओर से भी यह बात कही जाती थी। कुल मिला जुला कर हम लोग यही चाहते थे कि वहाँ लीडर कोई दूसरा हो। राष्ट्रीय जनता दल के लीडरशिप में और ख़ास करके लालू जी के परिवार का कोई लीडर होगा तो फिर 15 साल का जो उनका शासन था लोगों के जीवन में वह बात आ जाएगी और ऐसी परिस्थिति में लोग उनके साथ नहीं जाना चाहेंगे, उस गठबंधन के साथ नहीं आना चाहेंगे। तो कोशिश हमने की कि लीडरशिप। आप लोगों को लग रहा था कि RJD सबसे बड़ी पार्टी है आप लोगों के अलायंस में और वो नेता से अपना दावा छोड़ देती? हमने यह भी नहीं कहा कि नेता से दावा छोड़ दीजिए, लेकिन हमने कहा कि मिनिमम लालू जी के परिवार से तो बाहर आ जाइए। राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी थी,
स्वाभाविक रूप से उसका दावा बनता था, तो एक कदम हम और आगे बढ़ सकते थे। और अंदर हमने कहा कि ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है, तो राष्ट्रीय जनता दल अपना कोई और लीडर लाए ना, लालू जी के परिवार से कम बाहर आवे, तब लोगों का भरोसा होगा। पर ये बात आपने सीधे तेजस्वी यादव को कह दी या निश्चित वार्ताकारों के जरिए? नहीं, किसी के जरिए नहीं, वार्ता का तो कोई इस तरह का अवसर ही नहीं लोगों ने बनाया। एक मेज पर नहीं बैठे आप? एक मेज पर बैठने की बात मांझी जी करते करते चले गए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं हुआ। कांग्रेस के लोग लोगों ने ही बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ। उसका कारण यही था कि आरजेडी के लोगों को और खास करके तेजस्वी को लगता था कि जब बैठेंगे मेज पर तो फिर कहीं ना कहीं उनका मामला फंस जाएगा, इसलिए बैठने ही से भागते रहे। अंत में जब बैठने ही से भागते रहे तो स्थिति बनी। जब आपने गठबंधन छोड़ने का ऐलान किया तब भी आरजेडी की तरफ से कोई फीलर नहीं आए? नहीं, आरजेडी की ओर से आया कुछ लोगों ने, लेकिन आरजेडी में किसी और की ओर से कुछ आवे उसका कोई अर्थ आज भी नहीं है। वहाँ सिंगल मैन चलता है, लालू जी चलाते हैं जेल से, और फिर यहाँ बाहर में तेजस्वी यादव, और तीसरा किसी का अर्थ कुछ है ही नहीं आरजेडी में। जब आप इस अलायंस में आए थे तब आपकी किससे बातचीत हुई थी, लालू यादव से? हाँ बिल्कुल, लालू जी से बात हुई थी। आप कह सकते हैं कि जेल में थे फिर भी कैसे बात हुई, तो बात हुई। अब कैसे बात हुई लालू जी से पूछ लीजिए, लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ मेरी लालू जी से हुई। और तब क्या पॉलिटिकल प्रॉमिस थे अलायंस के लिए? नहीं, कोई पॉलिटिकल प्रॉमिस का मामला नहीं था। सीटों को लेकर लोकसभा चुनाव में सीट का, ऐसा नहीं कोई विधानसभा, जो आने वाला विधानसभा था उस पर हमने कोई बात की हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लोकसभा में और वहाँ जो इशू था उसको लेकर बात थी, बस यही था। तो लोकसभा चुनाव के बाद आप लालू यादव के संपर्क में नहीं रहे? लालू जी के संपर्क में दूरभाष पर निश्चित रूप से कभी कभी बात हमारी होती थी, लेकिन लालू जी फिर कोरोना का जो खास करके संकट आया तो उस वक्त बहुत कम्युनिकेशन भी नहीं बन पा रहा था। और पहले कोरोना के पहले तो आदमी जाकर मिल भी लेता था, लेकिन कोरोना का प्रोटोकॉल ऐसा हुआ झारखंड सरकार का कि मिलना भी संभव नहीं, वहाँ कोई ऑफिशियल जाए तो मिलने की गुंजाइश नहीं थी। अब जाकर के 14 दिन वहाँ क्वारंटीन हुई है, फिर मिलिए लालू जी से, तो व्यवहारिक दृष्टि से कैसे संभव होता, तो यही था। अच्छा, लालू यादव जी से वापस नीतीश कुमार जी पर आते हैं। आप 1995 में पहला चुनाव समता पार्टी के टिकट पर लड़ते हैं और हार जाते हैं, और 2000 में जब आप चुनाव लड़ते हैं उसी जंदहा सीट से, वैशाली ज़िले में पड़ती है मेरे ख्याल से, तो आप जीतते हैं। मैं अब इस बातचीत को ले जाना चाहता हूँ उस दौर में जब फाइनली जनता दल यूनाइटेड का प्रॉपर मर्जर होता है और विधायक दल की संख्या इतनी हो जाती है कि नेता प्रतिपक्ष अब भाजपा का नहीं जेडीयू का होगा। दावेदारी है महाराजगंज के विधायक उमाशंकर सिंह की वरिष्ठता के लिहाज से, लेकिन नीतीश कुमार आपको चुनते हैं, क्या फैक्टर थे सर उस समय? देखिए, तो बिल्कुल साधारण अर्थ है, इसका सीधा अर्थ है, सोशल इक्वेशन नीतीश कुमार जी बनाना चाहते थे ताकि जनाधार उनका बढ़े। और जिस समय समता पार्टी का गठन हुआ था, याद कीजिए, लोगों को भी याद होगा, लव कुश करके नीतीश कुमार जी चलाते थे, तो उनको लगा कि उपेंद्र कुशवाहा को बनाएंगे तो यह जो हमारा लव कुश समीकरण और मजबूत हो जाएगा, और मजबूत होगा और इसका लाभ उनको मिलेगा, लाभ मिला भी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, बस और कुछ नहीं कारण था। नहीं, लेकिन अंदर खाने की जानकारी का दावा करने वाले कई लोग ये भी कहते हैं कि यू वर वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट ऑफ नीतीश कुमार बैक एट दैट टाइम, इसीलिए पहली दफा के विधायक को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। नहीं, ट्रस्टेड होने की बात है तो और भी बहुत सारे लोग ट्रस्टेड थे, अकेले हम ट्रस्टेड नहीं थे, लेकिन हाँ, हमने जहाँ भी काम किया ईमानदारी से काम किया, नीतीश जी के साथ थे। देखिए, जब समता पार्टी बनी थी तो लालू जी के खिलाफ ही इस पार्टी का गठन हुआ था, समता पार्टी का, 1994 में, 1994। पहले वो जनता दल जॉर्ज वाला गुट अलग होता है, फिर समता पार्टी, बिल्कुल वहाँ से। तो 1994 में जब जनता दल ज बना था, तब से लेकर नीतीश जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए तब तक हमने ईमानदारी से मेहनत की नीतीश कुमार जी को बनाने के लिए, क्योंकि बिहार के लोग लालू जी से मुक्ति चाहते थे, तो उस अभियान में हमने पूरी ईमानदारी से नीतीश जी के नेतृत्व में काम किया। तो स्वाभाविक है, जहाँ रहिए वहाँ ईमानदारी से काम कीजिए, निष्ठा से काम कीजिए, तो किसी का विश्वास तो इस कारण से आपके ऊपर होता है। तो नीतीश जी ने निश्चित रूप से ट्रस्ट किया, लेकिन और भी बहुत सारे लोग थे जिनके ऊपर उनका ट्रस्ट था, और किसी को भी बना सकते थे,
वो अकेले हम थे इसलिए हमको बनाया, ऐसा नहीं था किसी और को बना सकते। पर आपको लगता है कि लवकुश समीकरण डिसाइसिव फैक्टर था? हाँ बिल्कुल, यही फैक्टर था जिसका लाभ उनको मिला। अच्छा। उनको लाभ मिला इसलिए उन्होंने किया। कई लोगों ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी की जो विधायकी का चुनाव लड़ने वाली जर्नी है वो तो पता है, लेकिन उसके पहले की जर्नी, कहाँ पढ़ाई लिखाई हुई, शुरुआती पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या थे, शुरुआती पॉलिटिकल ट्रेनिंग ग्राउंड और मेंटर कौन थे, उसके बारे में बताइए सर। देखिए वैशाली जिला के जंदाहा के पास मेरा गांव है, स्कूली पढ़ाई मेरी वहीं से हुई, सरकारी स्कूल में, मेरे गांव में सरकारी स्कूल प्राइमरी स्कूल जहाँ क्लास 3 तक पढ़ाई होती थी वहाँ मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद बगल के गाँव में मिडिल स्कूल था तो वहाँ मेरी पढ़ाई हुई क्लास 7 तक, वर्ग 7 तक। और उसके बाद हाई स्कूल में जंदाहा, प्रॉपर जंदाहा में जो हाई स्कूल है उस हाई स्कूल से मैट्रिक तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद फिर कॉलेज में गए तो LS कॉलेज मुजफ्फरपुर के हम विद्यार्थी हुए, लंगट सिंह कॉलेज। हाँ बिल्कुल, लंगट सिंह वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज बिहार का LS कॉलेज था। और फिर ग्रेजुएशन हमने साइंस कॉलेज पटना से किया और फिर PG भी बिहार यूनिवर्सिटी से ही हमने फिर वापस वहाँ से किया। तो पढ़ाई लिखाई का सफ़र तो इस रूप में हुआ। राजनीति में आने का एक बड़ा कारण था, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हमारे यहाँ आते थे, मेरे पिताजी सोशल थे, बहुत बड़ा दायरा नहीं था उनका, किसान थे साधारण, लेकिन सामाजिक कार्यों में रुचि थी। तो कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री होते हुए भी हमारे यहाँ कई बार आए, 77 में। हाँ उस 77 में जब दूसरे टर्म में। और उस वक्त हम स्कूल में मिडिल स्कूल के विद्यार्थी थे या फिर हाई स्कूल में चले गए थे, लेकिन जो 74 का आंदोलन वगैरह था तो उस वक्त भी हम मिडिल स्कूल के विद्यार्थी थे जी। तो कर्पूरी जी के आने जाने से उनको देखते थे और स्कूल के विद्यार्थी थे तो स्वाभाविक रूप से पहले हम लोगों का जो परिवार है कोई उस रूप में नहीं था कि कोई किसी को चाय पिलाना हो, खाना घर में बनाना हो तो कोई नौकर रहे, घर का जो बच्चा होता था कोई भी वही चाय पिलाने का काम, आप गए तो पानी पिलाने का काम। तो उस रूप में कर्पूरी जी आते थे तो उनको हम खाना खिलाते थे, पानी पिलाते थे, कुआं पर नहाते थे तो उनके लिए पानी का इंतजाम करते थे बाल्टी से कुआं से निकाल कर, और उनके सानिध्य में जो थोड़ा कुछ सुनने का उनको जानने का मौका मिला तो मुझको लगा कि लोगों के लिए कुछ करने के लिए जब कर्पूरी जी इतना कर रहे हैं तो हम कोई प्रसंग बता सकते हैं आप जो आपने अनुभव किया हो उनसे, संवाद या उनको ऑब्जर्व करके अपने गांव में? नहीं, संवाद तो बहुत पिताजी से या गांव के लोगों से जो उनका संवाद होता था तो उसमें उनके अंदर गरीबों के प्रति दर्द झलकता था। और जब आते थे ठंडा के समय में तो 4 कुर्ता 5 कुर्ता जो भी हो पूरा पहने रहते थे, एक के ऊपर एक ठंडा से बचने के लिए। आज की तरह कोई बहुत गर्म कपड़ा जैसा एक आध कोट वगैरह पहनते थे वह भी उसी तरह का, लेकिन कपड़ा पहनते थे। तो मुझको लगता था कि एकदम साधारण परिवार से इतनी मेहनत कर रहे हैं कर्पूरी जी तो क्यों ना हमको भी यह काम करना चाहिए आगे चलकर। तो फिर वहाँ से कहीं ना कहीं बीज मेरे मन में पड़ा जो आगे चल के इस रूप में आप देख रहे हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी के बाद का फिर क्या रहा पॉलिटिकल ग्राफ आपका? पटना यूनिवर्सिटी के बाद तो हम फिर से जाकर बिहार यूनिवर्सिटी से हमने PG किया और PG करने के बाद वही जंदाहा में ही कॉलेज है, अब कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, तो उस कॉलेज में रीडर के रूप में मेरा योगदान हुआ पॉलिटिकल साइंस में। और आज भी हम छुट्टी पर होते हैं, अभी भी लीव विदाउट पे में चल रहे हैं। अच्छा, अभी आपकी जॉब चल रही है? जॉब चल रही है लेकिन हम बिना वेतन लीव विदाउट छुट्टी पर है। हाँ। वेतन कैसे ले सकते हैं? आखिरी क्लास आपने कब ली थी उस कॉलेज में? आखिरी क्लास ली थी हमने जब MLA हम थे और उसके बाद वहाँ से रिटायर हुए 2005 में, फरवरी में हारने के बाद 2005 के बाद, तो कुछ दिन तक उस वक्त क्लास लिए थे। अच्छा। कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का ये कहना है कि अगर अक्टूबर 2005 में आप दलपत सिंह सराय विधानसभा से चुनाव नहीं हारते तो उपेंद्र कुशवाहा का पॉलिटिकल करियर कुछ और होता। आप इसको कैसे देखते हैं पलट के रेट्रोस्पेक्ट में कि फरवरी में तो चलिए हंग थी असेंबली, लेकिन अक्टूबर 2005 के चुनाव में क्लियर मेजॉरिटी मिली है NDA को और पहली बार मुकम्मल ढंग से, एक 7 दिन का अपवाद छोड़ दें जो विनोद पांडे ने शपथ दिलवा दी थी नीतीश जी को, तो उसके बाद मुकम्मल सरकार बनती है। आप नेता प्रतिपक्ष रहे थे तो आपका दावा
मंत्री पद के लिए बनता ही, लेकिन आप हार गए, क्या वजह रही? उधर के लोग कहते हैं कि नीतीश जी ने तो यही रियायत दी कि सीट बदलने की इजाज़त दी। आपकी तरफ के लोग कहते हैं कि भाई हार गए लेकिन बड़े नेता थे, लव कुश समीकरण था तो MLC बना के समायोजित करते। क्या उस समय बातचीत हुई, हार की वजह क्या रही और फिर बातचीत क्या? देखिए, हार की वजह तो नई जगह थी, तो सीट क्यों बदली आपने फिर? नहीं, सीट बदली वहाँ जंदाहा से जहाँ से हम थे, और पहला चुनाव फरवरी वाला हम वहाँ से हार गए थे, तो फिर वहाँ जो सोशल इक्वेशन वहाँ का था, बाद के चुनाव में सोशल इक्वेशन हमारे अनुकूल फिट नहीं बैठ रहा था, जिसके चलते मुझको लगा कि सोशल इक्वेशन उसको थोड़ा और स्पष्ट रूप में बताया जाए तो वहाँ राजपूत लोगों की बड़ी आबादी है सबसे ज़्यादा। अब तो खैर डिलिमिटेशन के बाद उसका नाम भी नहीं है, अलग हो गया, लेकिन उस वक्त तो उसी रूप में था। और फिर उस समाज के लोगों ने मुझसे किनारा कर लिया था, क्योंकि एक कैंडिडेट वहाँ से उस समाज के आ गए थे तो लोग उनके साथ गोलबंद हो गए वोट में। तो हमको लगा कि फिर वैसी स्थिति में सोशल इक्वेशन हमारे अनुकूल नहीं है तो चुनाव जीतना संभव नहीं था, तो इसलिए हमने वहाँ से जगह बदली, और दूसरा कोई कारण नहीं था। तो आप जब चुनाव हारे तो उसके बाद आपके माननीय नेता ने आपको एडजस्ट नहीं किया पॉलिटिकली, तो सरकार थी और यहाँ तो विधान परिषद भी है। देखिए, हम कोई उस रूप में बहुत मेरी अपेक्षा नहीं थी, लेकिन हाँ हमारे जो लोग थे, कार्यकर्ता हों या सपोर्टर, उन लोगों के मन में एक जरूर चला गया इस बात का मैसेज कि हम ही अकेले चुनाव नहीं हारे थे, और भी दूसरे नेता थे जो चुनाव हार गए थे और उनको MLC बना करके मंत्री परिषद में जगह थी। जैसे अब जैसे तो आप ढूंढ लीजिएगा, आपको पता हो जाएगा, लोग जानते हैं, क्योंकि थोड़ा खुल के बताएंगे तो लोगों को भी डॉट जोड़ने में आसानी रहेगी। इसलिए कि हम कोई व्यक्तिगत उस आदमी से या उस नेता से मेरी कोई शिकायत है ऐसा नहीं है, लेकिन अभी अगर उनका नाम बोलेंगे तो लोगों को लगा कि उनसे कोई शिकायत, उनसे कोई शिकायत नहीं, जो तौर तरीका नीतीश जी की ओर से अपनाया गया उस पर जरूर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ, तो इसलिए लोगों के मन में यह था, लेकिन हमारे मन में कुछ ऐसा नहीं था। हमको तो इस बात की खुशी थी कि चलिए लालू जी को हटाना था, लालू जी हट गए और नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, CM बन गए, तो मेरे मन में इस बात की खुशी थी। लेकिन फिर लगा कि सरकार बन गई है तो ऐसी कोई जवाबदेही पार्टी में हो या सरकार में हो निश्चित रूप से हमको मिलनी चाहिए थी, जिसको लेकर के जो लोगों की अपेक्षा थी जब संघर्ष में हम थे, उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ तो ताकत सरकार में हम आए हैं तो हमको मिलनी चाहिए। लेकिन उस रूप में भी जब कोई बात नहीं हुई तो धीरे धीरे फिर वहाँ से मन अलग होता गया। ये बंगला खाली कराने का क्या प्रकरण है? देखिए, बंगला खाली कराने का प्रकरण भी उसी तरह का है। बंगला में उस वक्त भी कई लोग चुनाव हार गए थे जो बंगला में लगातार रह रहे थे, उनका बंगला खाली कराने का की कोई कोशिश कभी नहीं हुई, और सिर्फ मेरा बंगला खाली हुआ भी हमने लगातार आवेदन दिया, लगातार आग्रह किया कि भाई मार्केट रेट से देने का प्रोविजन है, कोई व्यक्ति अगर नहीं है अभी मेंबर तो बाजार दर तय होता है और उससे बाजार दर पे बंगला अलॉट किया जाता है, लेकिन उसके लिए भी जब हमने कहा तो उस पर भी कोई बात नहीं हुई, और पटना में रहने की कोई दूसरी जगह थी नहीं मेरी, तो फिर उसके बाद जो स्थिति बनी कि जबरन खाली कराना, और वह भी वैसा समय में खाली कराया नीतीश जी ने कि जब हम घर में नहीं थे, मेरी माँ थी, बूढ़ी माँ, सामान बाहर फेंक दिया गया। खैर, अब उतना उन चीज़ों पर आज जाने की ज़रूरत नहीं है, और उन चीज़ों पर एक बात बताइए उपेंद्र जी, कि कुछ बरस पहले आप लोगों के इतने प्रगाढ़ संबंध की आप नेता प्रतिपक्ष, कुछ बरसों में ऐसा क्या हो गया कि जबरन बंगला खाली करा रहे हैं, MLC में भी नहीं कर रहे हैं? कई लोगों ने कहा कि उपेंद्र जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की खबर उन तक पहुंच गई थी, इसलिए उनको लग रहा था कि नहीं, इनको बढ़ने नहीं देना है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा अगर किसी की होती है तो इसमें बुराई क्या है? आज नीतीश कुमार जी का सेकेंड मैन कोई नहीं है उनकी पार्टी में, कौन जवाब दे इसका देगा? आज नीतीश कुमार जी खुद बोलते हैं, कई बार अपनी पार्टी की मीटिंग में बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि भई हम हैं तो सब कुछ है, हम कल ना रहे तो क्या होगा? भैया क्या होगा इसके लिए आप भी जवाब दे, ही आपके ऊपर होती है। ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा वहाँ नहीं है, अलग विषय है, लेकिन
कोई ना कोई तो उस लायक वहाँ नीतीश कुमार जी गढ़ते, उसको बनाते कि सेकेंड मैन कोई रहे जो उत्तराधिकारी के रूप में, सीधे शब्द उत्तराधिकारी न दीजिए लेकिन कोई ना कोई सेकेंड मैन तो होता है। तो क्या कारण था? तो इसलिए अगर महत्वाकांक्षा उपेंद्र कुशवाहा की थी या किसी की भी होती है तो इसमें कोई अपराध है क्या? जो लोग भी कहते हैं तो मुझको लगता है कि इसमें कोई ऐसा था, अगर मेरे मन में तो कोई अपराध नहीं था। जेडीयू से आपके अलग होने की पटकथा उस दिन रच दी गई जिस दिन आपका सामान आपकी अनुपस्थिति में घर से बाहर निकाला गया। फिर एनसीपी के चुनाव के पीछे क्या तर्क थे आपके राजनीतिक? देखिए, राजनीति अगर करनी थी तो कहीं ना कहीं कोई पार्टी के साथ तो हमको होना चाहिए था। आरजेडी में जा नहीं सकते थे, बीजेपी में जा नहीं सकते। बिल्कुल, आरजेडी के खिलाफ ही 12-14 साल का जो हमारा संघर्ष था पूरा का पूरा, तो उसमें हम जा नहीं सकते थे। कभी माइंडसेट हमारा उस तरह का न तब था न आज है। और फिर भारतीय जनता पार्टी जिन नीतियों पर जिन सिद्धांतों पर चलती है, हाँ अलायंस में हम उनके साथ भी गए लेकिन उनका जो सिद्धांत है, उनकी जो नीतियाँ हैं, और कर्पूरी ठाकुर जी के साथ हम उनके उनसे प्रेरित होकर राजनीति में आए। कर्पूरी जी ने तो खुद जनसंघ से सहयोग लेके पहली दफा शपथ ली थी। सहयोग लेना अलग चीज है, हमने कहा कि अलायंस में तो हम भी बीजेपी के साथ रहे लेकिन पार्टी में जाए, पार्टी ज्वाइन करना, बिल्कुल दोनों कभी संभव ही नहीं था कि अब कर्पूरी जी के नीति सिद्धांत को मानने वाला आदमी एकाएक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, ये हमारा माइंडसेट कभी नहीं रहा है और आज भी नहीं है उस तरह का। इसलिए जब कोई पार्टी चाहिए थी उस तरह की तो स्वाभाविक रूप से कहीं जाना था तो गए वहाँ एनसीपी के साथ। और फिर वापस क्यों आना पड़ा? तारिक अनवर फुटेज खा रहे थे। नहीं देखिए, वहाँ फिर उस समय याद होगा लोगों को, महाराष्ट्र में बिहार के लोगों के साथ उस वक्त बड़ी घटना हुई थी, छात्रों के साथ पिटाई की घटना सब कुछ हुई थी, रेलवे की भर्ती, हाँ उस दौरान हुआ था। और उस वक्त एनसीपी के लोगों को थोड़ा सा बिहार के लोगों को प्रोटेक्ट वहाँ करना चाहिए था, ऐसा मुझको लगता था। मैंने बार बार आग्रह किया लेकिन उसके बाद शरद पवार से या छगन भुजबल, शरद पवार साहब से भी हमने कहा, तारिक अनवर जी भी, क्योंकि वहीं से राज्यसभा के मेंबर भी होते थे महाराष्ट्र से तारिक साहब, तो उनको भी हमने कहा, छगन भुजबल साहब से भी कहा, सब लोगों से कहा। छगन भुजबल साहब ने थोड़ी सी कोशिश जरूर की लेकिन बाकी लोगों ने कोई प्रोटेक्शन बिहार के लोगों को बिल्कुल नहीं दिया, कोई उसमें कहीं कि नोटिस ही नहीं लिया मेरी बातों का। तो मुझको लगा कि अब इस पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है। पर आपके विपक्षी ये थ्योरी देते हैं कि आप चाहते थे कि वहाँ से आपको भी राज्यसभा मिले जैसे तारिक अनवर को मिला, वो नहीं मिला तो आप ये बिहारी छात्रों पर अत्याचार की बात कह के निकले। ऐसा कोई नहीं कहता है, पता नहीं कहाँ से किसने कह दिया आपको, सवाल ही नहीं। जब हमारा कोई मेंबर नहीं है एमएलए यहाँ वहाँ कहीं, हम कैसे किसी से राज्य अनवर भी तो महाराष्ट्र से थे, दूसरे लोग जहाँ से रहे उनकी बात अलग है, लेकिन कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम राज्यसभा जाए महाराष्ट्र से, कभी सोच भी नहीं सकते थे। पर राज्यसभा आप गए जेडीयू से, फिर कैसे लौटा है जेडीयू में? क्या वापस से ट्रूस हुआ आपके और सुप्रीम लीडर नीतीश कुमार? एक सभा में नीतीश कुमार जी ने कहा, व्यक्तिगत रूप से उनका प्रयास तो बहुत हुआ टेलीफोनिक, उस वक्त एक उपचुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में, जहाँ तक मुझको अगर सही याद है तो 17 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में बिहार में बाई इलेक्शन हुआ था 2009 के लोकसभा चुनाव, 2009 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद, और उसमें नीतीश कुमार जी की बुरी तरह हार हुई थी। तो उसके बाद नीतीश कुमार जी कोशिश करने लगे कि हमको फिर उनके साथ जाना चाहिए, और एक जगह संजोग ऐसा था कि सामाजिक कार्यक्रम था, उसमें नीतीश जी भी थे और हम भी थे, कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था, तो उसमें मंच से उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा छोटे भाई हैं, इनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि हमारे साथ आ जाएं, तो बहुत भावुक होकर उन्होंने अपील की। तो मुझको लगा कि चलिए, आपके लिए अप्रत्याशित था या इसकी तैयारी चल रही थी इस पब्लिक ऐलान की? नहीं, इस तरह से उनके द्वारा अपील मुझको लगा कि अप्रत्याशित ही मेरे लिए था। हाँ, बात कर रहे थे टेलीफोन पर लेकिन वहाँ कोई पहले से इस तरह की योजना है ऐसा मानकर हम वहाँ गए थे, बिल्कुल नहीं। हमको हम नहीं सोचते थे कि इस तरह से नीतीश जी अपील उस मंच से कर देंगे। तो फिर हालांकि हमने वहाँ कोई स्वीकार कर लिया ऐसा नहीं है, लेकिन इन चीज़ों का असर मुझ पर पड़ा। और फिर व्यक्तिगत बातचीत भी हुई नीतीश जी से, तो नीतीश जी ने खुद भी कहा कि पहले जो कुछ भी हुआ हो अब ऐसा नहीं होगा, इसलिए आप आइए हमारे साथ। तो चले गए, जो कुछ भी हुआ चले।
फिर चले गए तो फिर दोबारा क्यों चले गए, क्या बिगड़ गया दो साल में? देखिए दो साल में फिर उन्हीं बातों को, जिन बातों को लेकर नीतीश जी ने कहा कि आ जाइए अब सब ठीक ठाक रहेगा, लेकिन कहने के लिए उन्होंने कह दिया। राज्यसभा की सदस्यता उन्होंने दे दी जरूर, लेकिन मुझको लगा कि राज्यसभा की सदस्यता देने के बाद शायद उनको लग रहा है कि बहुत बड़ी कृपा हमने कर दी उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर, इसलिए बाकी चीज़ों को अब देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझको लगा कि अब इसको कृपा समझकर अगर नीतीश जी मेरे ऊपर, इनके मन में है कि हमने इनको दे दिया है, तो यह तो ठीक नहीं। तो हमने राजगीर में कार्यकर्ताओं का बड़ा कार्यक्रम था जेडीयू का, उसमें हमने कहा नीतीश जी अगर आप समझ रहे हैं कि यह कृपा है मेरे ऊपर, तो इस कृपा के लिए उपेंद्र कुशवाहा राजनीति नहीं करता है, और राज्यसभा की सदस्यता मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम कल सुबह वाली ट्रेन से जाएंगे दिल्ली और रिजाइन कर देंगे, और फिर स्थिति बनी तो चार महीनों के बाद हमने इस्तीफा किया और फिर अलग हो गए। आपको रोकने की कोशिश नहीं की नीतीश कुमार ने? रोकने की कोशिश उन्होंने नहीं की, लेकिन भाया मीडिया दूसरे लोगों की ओर से प्रयास जरूर हुआ, लेकिन मुझको लगा कि नहीं अब दोबारा तिवारा इस तरह की स्थिति बन रही है तो अब यहाँ रहने का कोई मतलब। क्या स्थिति बन गई थी? मतदाता और खासतौर पे आपके समर्थक ही जानना चाहते हैं कि ये तो थोड़ा वैसा हो गया कि ऊपरी की भाई स्थितियाँ वैसी नहीं थी, क्या घटनाएं क्या थी? आपने कुछ उनसे पॉलिटिकल डिमांड की जिसको फुलफिल नहीं किया, या आपके लोगों को समायोजित नहीं किया गया, या जिस पावर की आपको आकांक्षा थी? नहीं, वहाँ उस वक्त तो राज्यसभा की सदस्यता मुझको मिल ही गई थी, इसलिए वैसा कुछ नहीं था कि मेरे लिए और क्या चाहिए था। राज्यसभा की सदस्यता, हम जिस साधारण परिवार से आए हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी, इसलिए उसका मामला बिल्कुल नहीं था। व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा मेरी उस समय क्या हो सकती थी, कुछ भी नहीं था। हाँ, जो कार्यकर्ता जो हमारे साथ भी लोग आए, या जेडीयू में भी जो कार्यकर्ता आज भी बहुत सारे लोग हैं, उनके प्रति एक अपनापन का भाव, क्योंकि सड़क पर उनके साथ हमने संघर्ष किया है, तो वैसे लोगों की उपेक्षा लगातार वहाँ हो रही थी और आज भी हो रही है। तो वैसे लोगों को थोड़ा जस्टिस मिले और नीतीश जी खुद इस पर ध्यान दें, यह मेरी अपेक्षा थी। और दोबारा जाने के बाद हमने नीतीश जी से कहा भी कि भाई इन लोगों का कुछ कीजिए नीतीश जी, जो बहुत जगह समता पार्टी के दौर में बहुत ऐसे कार्यकर्ता जिनकी हत्या हो गई और उनका परिवार आज कोई पूछने वाला नहीं, कई विधवाएं हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं, वैसे लोगों के लिए हमने कहा कि कुछ तो करना चाहिए। क्या करना चाहिए कभी आप सोचिए, बैठिए तो हम लोग भी देखेंगे क्या किया जा सकता है, लेकिन इस पर उनका कोई ध्यान नहीं था। तो मुझको लगा कि फिर क्या मतलब है अब राजनीति में, जो हमारे साथी थे आज नहीं है, उनका परिवार वैसे ही रो रहा है और सरकार भी है, उसके बावजूद अगर हम कुछ न कर पाए तो फिर क्या मतलब है। तो इसलिए हमको लगा कि अब राज्यसभा में रहने का कोई सेंस नहीं, फिर छोड़कर हम लोग। फिर आप पार्टी बनाते हैं 3 मार्च 2013 को, RLSP राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पर खबर बनती है दिल्ली की मीडिया में, जब एक रोज आपकी कार अशोका रोड पे भाजपा के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के घर की तरफ मुड़ती है। बीजेपी के साथ अलायंस की पहल कहाँ से हुई? बीजेपी के साथ अलायंस की पहल बीजेपी की ओर से हुई। कौन थे वार्ताकार उनकी तरफ से? उनकी ओर से उस समय प्रभारी थे धर्मेंद्र प्रधान जी, सीधा उनकी ओर से कोशिश हुई, और हम राज्यसभा में उसके पहले थे ही, और राज्यसभा उस वक्त चले गए थे धर्मेंद्र प्रधान जी से जी, तो थोड़ी जान पहचान और व्यक्तिगत निकटता भी थोड़ी हो ही गई थी, और हम दिल्ली में रहते थे, राज्यसभा के सदस्य नहीं थे, हमने रिजाइन कर दिया था, लेकिन सेंट्रल हॉल में आना जाना था, तो स्वाभाविक रूप से जो पुराना संबंध है हम दोनों के बीच, तो उसके चलते उन्हीं की ओर से कोशिश हुई और फिर अंत में हम गए। 3 लोकसभा सीटों पर RLSP चुनाव लड़ती है, तीनों जीतती है, आप काराकाट से सांसद और फिर मंत्री। नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद में काम करने का क्या अनुभव था आपका? देखिए, और स्मृति ईरानी और फिर प्रकाश जावड़ेकर आपके सीनियर मिनिस्टर्स पोर्टफोलियो के? अनुभव मैं व्यक्तिगत रूप से अगर शेयर करूं तो बहुत अच्छा अनुभव नहीं था, क्योंकि बाहर के लोगों के लिए मैं मंत्री जरूर था, लेकिन अगर हम मंत्री हैं और आप मेरे शुभचिंतक हैं, चाहने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, तो आपकी कोई ज़रूरत हो गई, वैध ज़रूरत, मैंने इस तरह की ज़रूरत जिसकी पूर्ति होनी चाहिए वैधानिक रूप से, तो उसमें फिर वहाँ कोई उसका अर्थ नहीं था। बाकी जो विभाग का काम था, लोग आज भी कई लोग कहते हैं कि आपने विभाग में रहकर क्या किया,
हालांकि हमने बहुत प्रयास करके कुछ जरूर किया, स्थिति नहीं थी वहाँ, लेकिन मिट्टी दिलाना वगैरह वगैरह बहुत सारा काम हमने निजी प्रयास से कहिए कि हमने जिस तरह से कोई व्यक्ति पैरवी करके करता है उस रूप में हमने करने में जरूर सफलता हासिल की, लेकिन इसके लिए माहौल वहाँ बिल्कुल नहीं था, वहाँ कुछ भी नहीं था कि हम बहुत कुछ रहकर वहाँ कर पाते। अब इससे ज़्यादा और अगर स्पष्ट बतावे तो मंत्रिपरिषद में जो शपथ लेते हैं गोपनीयता, वह कहीं ना कहीं भंग होगी, इसलिए इससे ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, लेकिन काम करने का वातावरण नहीं था। पर आलोचकों का कहना है कि यदि जेडीयू एनडीए में नहीं लौटती तो वातावरण होता या ना होता, उपेंद्र जी एनडीए के साथ ही रहते। क्या नीतीश कुमार का वापस आना इकलौती वजह था, या फिर आपकी पार्टी में जो तोड़फोड़ शुरू हुई, पहले आपके सांसद अरुण कुमार गए, फिर आपके विधायक सुधांशु शेखर गए, ललन पासवान गए, आपको लग रहा था कि जेडीयू पोचिंग कर रही है, या नीतीश के साथ पहले असहज संबंध थे इसलिए एक मेज़ पे नहीं बैठ पा रहे थे, क्या वजह रही एनडीए छोड़ने की? क्योंकि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमने उपेंद्र कुशवाहा जी को आखिरी तक रोकने की कोशिश की। देखिए, नीतीश कुमार जी के चलते हम अलग हुए मात्र यही कारण था, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम समझते हैं राजनीति में क्या कंपल्सन होता है, क्या मजबूरी होती है, उसको हम भली भांति समझते हैं। ऐसा नहीं कि नीतीश जी आ जाएंगे तो हम उनको देख कर भाग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन हाँ, नीतीश जी आने के बाद या फिर जिस तरह से हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास, और फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी उतना, हमने कहा कि जो वातावरण मंत्रिपरिषद में रहते हुए नहीं था काम करने का, तो इन चीज़ों का असर आदमी के मस्तिष्क पर पड़ता है, और कोई एक दिन में परिणाम न निकले लेकिन धीरे धीरे आदमी कुछ ना कुछ सोचने के लिए मजबूर होता है। तो कई इस तरह के तमाम कारण हुए जिसके चलते हम वहाँ से अलग हुए, कोई एक कारण नीतीश जी थे ऐसा नहीं था। और बीजेपी ने आपको रोकने की कोशिश नहीं की? हाँ, इसको भी हम अगर कहें कि बीजेपी ने रोकने की कोशिश नहीं की, उसमें बीजेपी के लोग, हमने तो प्रयास भी किया, प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए हमने वक्त मांगा उस समय। तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से मिलने के लिए वक्त मांगा, और यह बात पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक रूप से बात आ रही थी, लेकिन उन लोगों ने समय ही नहीं दिया। और मिलना हमारा इसलिए हम नहीं चाहते थे कि मिलेंगे तो कोई हम इनसे हमारा समझौता आगे कंटिन्यू करेगा, हम इसके लिए नहीं, हमारे साथ क्या दिक्कत हो रही थी, इस दिक्कत से सिर्फ हम वाकिफ कराना चाहते थे कि हम जिनके लीडरशिप में मंत्रिपरिषद में हमने काम किया है वो लीडर बीजेपी के भी हैं, तो उनसे मिलकर हम अपनी बात एक बार कह दें, इतना हम चाहते थे। कोई अपेक्षा नहीं थी कि हम मिलेंगे तो फिर हम कंटिन्यू कर जाएंगे, और इस आकांक्षा के साथ हम मिलना चाहते थे या नहीं था, लेकिन मिलना जरूर चाहते थे, यह भी संभव नहीं हो पाया। क्या कहा गया, प्रभारियों से बात करिए? नहीं नहीं कहा कुछ नहीं किया, अच्छा ठीक है समय देते हैं, लेकिन समय नहीं मिला। और फिर आपकी लालू जी से बात हो गई फोन पे? लालू जी से बाद में बात हुई, उस वक्त नहीं, लालू जी से बाद में बात हुई। ये दो लोकसभा, आपकी पार्टी को महागठबंधन में 5 सीटें मिली, उसमें से 2 सीटें उजियारपुर और काराकाट पर आप लोकसभा चुनाव लड़े, 2 लोकसभा सीटों पर लड़ने का औचित्य कई लोगों को समझ में नहीं आया। देखिए, 2 लोकसभा क्षेत्रों में कोई अकेला हम लड़ने वाले हैं बिहार के राजनीतिक इतिहास में, ऐसा तो है नहीं। पर आपके पास 5 ही सीटें थी कुल, उससे क्या फर्क पड़ता है, 5 सीट थी या जितनी भी सीट थी। नीतीश कुमार जी भी 2 जगह से लड़ चुके हैं, लालू यादव जी भी 2 जगह से लड़ चुके हैं, तो कई लोग हैं जो 2 जगह से लड़ते रहे हैं, इसलिए इसको कोई दूसरी नज़र से देखने की जरूरत नहीं है, और इसका कोई बहुत विश्लेषण करके और अर्थ निकालने की भी जरूरत नहीं। लोगों ने अर्थ निकालते हुए ये भी कहा कि आपके हिस्से में 1 सीट आई, आपने अखिलेश सिंह के राजनीति में अनुभव न रखने वाले बेटे को दे दी टिकट, ब्रजेंद्र कुशवाहा को टिकट दे दिया एक और सीट पर ब्रजेंद्र को, फिर 2 सीट पर आप खुद लड़ गए, और 1 ही सीट ऐसी बची जिसमें आपकी पार्टी के जो दरी बिछाने वाले या प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं ऐसे भूदेव चौधरी को टिकट मिला। तो कार्यकर्ताओं में ये मैसेज भी गया कि भाई आखिरी में तो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट ही होने हैं, इसलिए इतनी चर्चा हुई आपके टिकट वितरण? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, लोकसभा, लोगों ने ये भी कहा कि फाइनेंशियल कंपल्शंस भी होते हैं, पार्टी को संसाधनों की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए एडजस्टमेंट करना पड़ा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा होता
तो आज तो आप देख रहे हैं ना कि हम किस तरह से तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं फाइनेंशियल बात जिसकी आप कर रहे हैं, तो वहाँ हम रहते तो फाइनेंशियल तो बहुत मदद हमको मिल सकती थी, लेकिन आज अकेले मैदान में हैं कि नहीं है, इसलिए यह सवाल बिल्कुल नहीं है और उस वक्त भी नहीं था। और हमारी पार्टी में कोई बहुत इस तरह के लीडर उस वक्त नहीं थे जो पार्लियामेंट चुनाव के लड़ने के लिए बहुत परेशान हो और उनको टिकट न मिला हो, ऐसा भी नहीं था। तो इसलिए यह कहना है कि किसी कार्यकर्ता को एडजस्ट करने की बात नहीं हुई इसलिए कोई परिस्थिति बनी, ऐसा नहीं है। और कार्यकर्ता को जहाँ तक टिकट देने की बात है तो लोकसभा चुनाव आप देख लीजिए, उसके पहले का लोकसभा चुनाव हमने एक मुखिया को लोकसभा का मेंबर बनवाया, यह हमारी पार्टी कर सकती है। और अभी भी देख लीजिए इस बार का विधानसभा चुनाव या 2015 में एनडीए के साथ 23 सीटों पर हम लड़े थे। वर्कर को लड़ाने का काम तो हम ही करते रहे, आज भी कर रहे हैं और पहले भी करते रहे, इसलिए यह मामला नहीं है कि उस वक्त कोई वर्कर चाह रहा था जिसको नहीं मिल पाया, हमने नहीं दिया, यह इस तरह का आरोप बिल्कुल गलत है। एक संभावना पर खूब बात हो रही है कि अगर बिहार का जनादेश त्रिशंकु होता है, अस्पष्ट होता है, तो माइनस नीतीश कुमार वाले एनडीए का आप फिर से हिस्सा बन सकते हैं। हम इस बात के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि हम किसका हिस्सा बनते हैं, हम इस बात के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि बिहार की जनता को नया विकल्प चाहिए, नया विकल्प देने के मकसद से हम चुनाव लड़ रहे हैं। और आखिरी सवाल मेरा उपेंद्र कुशवाहा जी ये है कि आप लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है आरजेडी उसके प्रतिपक्ष में रहे और तेजस्वी यादव के साथ साझेदार भी रहे, गठबंधन में रहे, नीतीश कुमार के साथ भी रहे और अभी नीतीश कुमार के प्रतिपक्ष में हैं, इन दोनों के पॉलिटिकल नैरेटिव के मुकाबले आपका वो पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है? मैं इसलिए जानना चाहता हूँ सर कि अभी मैं कहीं पर बात कर रहा था तो मेरे मुँह से निकला कि बिहार लुक्स लाइक अ लैंड ऑफ अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस विद लॉट्स ऑफ पोटेंशियल। समाजवादी आंदोलन कितना मजबूत रहा, उसी क्रम में ये बात भी आई कि देखिए समाजवादी आंदोलन कैसे जाति के आंदोलन बदल गया कि आप पहले लिखते थे उपेंद्र सिंह फिर उपेंद्र कुशवाहा लिखने लगे, इस पॉलिटिकल ह्यूमर में सच्चाई है क्या? हाँ, जो सच है उसको अब इनकार कैसे करेंगे, इसमें सच्चाई है। और क्या वजह थी इसकी, किसके कहने पर? लोगों ने कहा कि नीतीश के कहने पर आपने कुशवाहा लिखा। बिल्कुल, शत प्रतिशत इसमें भी सत्यता है। देखिए जो सच है हम सच स्वीकार करें, नीतीश जी ने ही पहली बार मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद सिंह से उपेंद्र कुशवाहा लिखने का प्रस्ताव दिया मुझको, जब कर्पूरी ठाकुर जी थे ही और कर्पूरी जी के रहते रहते युवा लोकदल की कमेटी बनी थी उसमें जिसके ये अध्यक्ष थे, हाँ जिसके अध्यक्ष नीतीश जी थे, उस कमेटी में हम जनरल सेक्रेटरी हुए थे, तो उस वक्त ही उनकी सलाह हुई कि उपेंद्र प्रसाद सिंह अब मत लिखिए, उपेंद्र कुशवाहा लिखिए, तो हमने उस समय से लिखना शुरू किया, इसमें कोई अस्वीकार करने की जरूरत नहीं, सच है। लेकिन एक बात बताइए, आप शिक्षक रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिहार में असर्शन ऑफ कास्ट इतना ज़्यादा क्यों है? और होता तो ऐसा भी होता जैसे हमने गुजरात में देखा कि वहाँ की जो डोमिनेंट पेजेंट कास्ट हैं उन्होंने अपने कॉलेज बनाए, अपने हॉस्पिटल बनाए, यहाँ तो कास्ट का असर्शन सिर्फ पॉलिटिकल ही रहता है। शिक्षा की व्यवस्था कैसी है कि एक पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दें तो 3 साल में ग्रेजुएशन नहीं होता है, हॉस्पिटल की व्यवस्था कैसी है, सत्तारूढ़ दल कहता है कि जब लालू प्रसाद का राज था तो और बुरा हिसाब था, हमने बहुत सुधार दिया, थर्ड फ्रंट कहता है कि इन दोनों के में बिगड़ा रहा, फिर भी एट द एंड ऑफ द डे असर्शन ऑफ कास्ट होता है, कोई कुशवाहा लिखता है, कोई अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहता है, सब लोग अपनी अपनी जाति बताते हैं और अंततः चुनाव जाति गोलबंदी का हो जाता है। और सर इससे बिहार का तो कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, निश्चित रूप से यही बिहार का दुर्भाग्य रहा है अभी तक, और स्वाभाविक रूप से इसके पीछे पॉलिटिकल लोग हैं, जात के नाम पर वोट हासिल करने का प्रयास। और विडम्बना यह है कि जनता भी इसमें फंस जाती रही, जो लोग जात के नाम पर वोट मांगते रहे हैं उनको वोट मिलता भी रहा है, तो उनका भला तो हो जाता है, अब हमको वोट चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट चाहिए, तो जिस बात को लेकर वोट जनता देना चाहती है हम चाहेंगे कि हम वही चीज़ बोलें कि लोग हमको वोट दें, लेकिन इससे
भले पॉलिटिकल लोगों का फायदा हुआ है और आगे भी अगर यही स्थिति रही तो पॉलिटिकल लोगों का तो फायदा होगा, जनता का फायदा नहीं होगा जो नहीं हुआ है। बिहार कहाँ था, क्या था बिहार, आपने चर्चा की। पटना यूनिवर्सिटी कंपेरिजन में पटना यूनिवर्सिटी का नाम आपने लिया कि वहाँ थोड़ा बेटर है, अदरवाइज पटना यूनिवर्सिटी भी जो यूनिवर्सिटी था दुनिया देश भर के लोग जानते थे पटना यूनिवर्सिटी का, इतना सब कुछ था, क्रेज था, आज कहाँ है पटना यूनिवर्सिटी। तो शिक्षा का स्तर तो इतना गिर गया, स्वास्थ्य का स्तर कुछ है ही नहीं। और इसलिए लालू जी से हमने प्रारंभ में कहा कि लोग मुक्ति चाहते हैं और नीतीश जी से भी मुक्ति चाहते हैं, इसका बड़ा कारण यही है। मुझको लगता है कि अब तक चाहे जो कुछ भी हुआ हो लोगों की ओर से गलतफहमी के कारण या कुछ भी, अब ऐसी स्थिति नहीं होगी। इस बार लोग गंभीरता से सोच जरूर रहे हैं कि क्या हम करें कि शिक्षा आवे, क्या हम करें कि स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी हो, क्या हम करें कि लोगों को रोजगार बिहार में मिले, ऐसा वातावरण बने। अब लोगों के मन में यह बात गई है और मुझको इस बात की खुशी है कि इस बार 100% पुराने पैटर्न पर चुनाव नहीं होगा, उस पैटर्न से जनता अब अलग हटेगी, हम इसको मानकर चलते हैं, मुझको ऐसा दिख रहा है। एक तरफ आपके ये दावे हैं, दूसरी तरफ सूची दिखाई जाती है कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी तो 45 या 46 या 50 कितने कैंडिडेट्स कुशवाहा समाज के हैं जिनको टिकट दिया। जो लोग हमारे साथ होंगे टिकट तो हम उन्हीं को देंगे ना। तो आपके साथ सिर्फ आपकी जाति के लोग हैं? 100% 103 में 103 कुशवाहा को दिया क्या हम? 50% लगभग जितना भी दिया। देखिए हम एक तो जो उपेक्षित लोग हैं उनको अगर कोई तरजीह देता है तो देना चाहिए और उसको दूसरी नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन जो उपेक्षित नहीं है, जैसे लालू जी की सरकार रही या बाकी जिन कारणों से भी, लालू जी की सूची देख लीजिए, कहने के लिए माय समीकरण की बात भी लोग करते हैं, लेकिन वहाँ किसको सबसे ज़्यादा, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा टिकट वहाँ दिया गया, जबकि वहाँ जिनको टिकट उतना दिया गया है उनका कोई अब बहुत एम्पावरमेंट उस रूप में हो इसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन अब जिस समाज की बात मेरे नाम से जोड़कर कर रहे हैं, यह समाज उपेक्षित समाज रहा है खास करके पॉलिटिकली, तो इसको अगर लवकुश के नारे के बावजूद, हाँ बावजूद, उसके बावजूद लोगों ने वोट दिया, इस्तेमाल लोगों ने किया वोट का, लेकिन फिर रिटर्न देना था तो रिटर्न लोगों ने नहीं दिया। और इस बार इसलिए आज ही हमने घोषणा की है, इसलिए शायद आपको जानकारी ना हो, हमने कहा है कि जितनी जिनकी हिस्सेदारी उतनी उनकी भागीदारी हम सुनिश्चित करेंगे और उसके आधार पे हमने तय किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक दलित समाज से, एक अति पिछड़ा समाज से, एक माइनॉरिटी से और एक जो अगली जात में भी गरीब लोग हैं उनकी भी उपेक्षा सब जगह होती रही है, तो उस समाज से भी एक 4 डिप्टी सीएम और इन चारों में से एक महिला अनिवार्य रूप से होगी, महिलाओं का भी हम सम्मान रखेंगे। तो हिस्सेदारी तो देनी पड़ेगी, सत्ता में हिस्सेदारी, सिर्फ वोट लीजिएगा हिस्सा नहीं दीजिएगा, अब तक यही हुआ है और इसको हम तोड़ना चाहते हैं, इसलिए हमने ऐसी व्यवस्था की। एक आखिरी सवाल मेरा उपेंद्र जी ये है कि आपने अलग अलग समय में दो राजनीतिक ध्रुवों को साधा, लालू नीतीश, नरेंद्र मोदी और असदुद्दीन ओवैसी, तो ये जो पॉलिटिकल स्विंग है कि अब आप ओवैसी के साथ पार्टनर हैं, 2 बरस पहले तक आप नरेंद्र मोदी के साथ पार्टनर थे और दोनों की पॉलिटिकल अवधारणाएं बिल्कुल पोल्स अपार्ट हैं। देखिए इन चीज़ों पर ज़्यादा विश्लेषण का अर्थ फिर वही होगा कि बिहार की जनता का जो मौलिक सवाल है, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, रोजगार का सवाल, इससे कहीं ना कहीं फिर भटकाव की बात हो जाएगी। इसलिए हम मीडिया के लोगों से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रहे हैं, आपसे भी आग्रह है कि इन चीज़ों को, इस तरह की चीज़ों को बहुत प्रमुखता देने की ज़रूरत नहीं है। अभी प्रमुखता देने की ज़रूरत है कि बिहार की जनता को शिक्षा कैसे मिलेगी, गरीब लोगों को स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे होगी, रोजगार, रोजी रोटी, रोजगार लोगों को कैसे मिले, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर थोड़ा ध्यान आप उस रूप में देते भी हैं तो लोगों को इन बातों को लेकर चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ भले हमारे साथ कोई भी हो लेकिन इस गठबंधन का लीडर उपेंद्र कुशवाहा है बिहार में, तो जब उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन का लीडर है तो शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, रोजगार का सवाल, इसको उपेंद्र कुशवाहा कभी भी ओझल नहीं होने देगा, इतना हम लोगों को आश्वस्त करते हैं। नेताजी घेरे में के इस एपिसोड में इतना ही, इस पूरी बातचीत के बारे में
मुख्यमंत्री पद के बिहार के इन दावेदार नेताजी के बारे में, उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में, उनकी सियासत और उनकी सियासी यात्रा के बारे में आपकी जो भी राय हो ज़रूर बताएं। संवाद चलते रहना चाहिए। शुक्रिया।